दोस्तों, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि डेली डेली आप तक मेरे वीडियो पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टी आई प्लाज्मिड इज फाउंड इन, टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं, रोडोबैक्टर स्फेरॉइड्स, एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेसियंस, ई कोलाई, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेसियंस में टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है। और पता होगा आपको कि प्लाज्मिड का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विथ क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। सिंपल आपको बताना है कि बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मिड, एपिसोम, पाइलस, न्यूक्लियॉइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। जैसे आप ये बैक्टीरिया देखें तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है या बैक्टीरियल डीएनए है, और यहीं पर आपको दिखेगा ये स्ट्रक्चर में, राउंड स्ट्रक्चर में यही है प्लाज्मिड, जिसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विनेगर इज फर्मेंटेड फ्रॉम एल्कोहल बाय, आपको बताना है कि किसके द्वारा एल्कोहल से सिरका किण्वित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एसीटोबैक्टर एसिटाई, बैसिलस सब्टिलिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, एसीटोबैक्टर एसिटाई, ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, जैसे ये एथिल एल्कोहल है C2H5OH, अब ये एसीटोबैक्टर एसिटाई का यूज करके एसीटोबैक्टर एसिटाई होता क्या है, बन जाता है आपका यहाँ एसिटिक एसिड, जिसको कहा जाता है विनेगर, ये है एसिटिक एसिड जिसे कहा जाता है विनेगर। तो आप इसे भी देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका फॉर्मेशन होता है, प्लस यहाँ पर आपका वाटर रिलीज होगा और एनर्जी, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जब वायरस की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किया जाता है तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है ट्रांसफेरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, उसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन एंड दिस वायरस इज नोन एज बैक्टेरियोफेज। क्या होता है बैक्टेरियोफेज? तो पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। और इस फेनामिनन यानी ट्रांसडक्शन का जो फेनामिना है, इसकी खोज 1952 में जिंदर और लेडरबर्ग के द्वारा किया गया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस ट्रांसडक्शन की खोज जिंदर एंड
लेडरबर्ग द्वारा की गई। तो बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिस्ट्रॉयड, यदि बैक्टीरिया और फंजाई नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अच्छे से आप देख लीजिए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर मोस्टली सेप्रोफिटिक इन नेचर, और ये क्या करते हैं, डेड बॉडी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिके करने का काम करते हैं। यदि यही खत्म हो जाएंगे, यही नष्ट हो जाएंगे, तो अर्थ विल बिकम पैक्ड विथ एक्सक्रीशन एंड डेड बॉडीज। तो सी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाई, आपको बताना है कि एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लेमिंग, वाक्समैन, फंक, जेनर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, वाक्समैन द्वारा। एंटीबायोटिक शब्द वाक्समैन ने प्रतिपादित किया, और इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया है। कौन सी एंटीबायोटिक? स्ट्रेप्टो। माइसिन। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियम दैट कॉजेज बॉटुलिज्म इज, स्ट्रेप्टोकोकस, सीडोमोनास, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बॉटुलिज्म का कारक जीवाणु आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, क्लोस्ट्रीडियम। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कन्वर्जन ऑफ कर्ड इंटू लैक्टिक एसिड, टेनिंग ऑफ लेदर, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड, फ्लेवरिंग ऑफ टी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड, यानी दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, लिवेनहॉक, लुईस पाश्चर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, लिवेनहॉक के द्वारा। और लिवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया हैविंग कॉमा लाइक सिंगल कर्व इन देयर बॉडी आर, आपको सिंपल ये बताना है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जिसका शेप कॉमा के तरह होता है, कॉमा के तरह उसका शेप होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, बैसिलाई, कोकाई, विब्रियो, स्पाइरिला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, विब्रियो। सी वाला ऑप्शन सही होगा, विब्रियो आर कॉमा आर किडनी शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
प्रोपियोनी बैक्टीरियम यील्ड्स प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है क्या? विटामिन B12, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विटामिन B6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, विटामिन B12। और विटामिन B12 का उत्पादन स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा भी किया जाता है। तो एक तो आप प्रोपियोनी बैक्टीरियम को देख रहे हैं और दूसरा भी याद कर लीजिए स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा भी विटामिन B12 उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है प्लाज्मिड, एपिसोम, मीजोसोम, न्यूक्लियोइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मीजोसोम। सी वाला ऑप्शन सही होगा, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया मीसोजोम पर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रासियस प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक। आपको बताना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रासियस द्वारा कौन सी एंटीबायोटिक उत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती है? क्लोरोमाइसिन, टेरामाइसिन, ओरियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त की जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन मिल्क इज हीटेड एट 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड देन कूल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी मिल्क को 62 डिग्री सेल्सियस पर आधा घंटे के लिए गर्म किया जाए फिर ठंडा कर दिया जाए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं स्टेरिलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, नाइट्रिफिकेशन, फ्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर होगा बी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी टाइप ऑन अर्थ इज ऑफ। आपको सिंपल बताना है कि इनमें से किसकी पॉपुलेशन अर्थ पर सबसे ज्यादा है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्राउन गॉल डिसीज इज कॉज्ड बाय। क्राउन गॉल रोग होता है किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, अर्विनिया, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एग्रोबैक्टीरियम। तो पौधों में क्राउन गॉल डिसीज एग्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस द्वारा होता है। ट्यूमी फेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस द्वारा पौधों में क्राउन गॉल डिसीज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी इज, इनमें से किसके कारण कोढ़ होता है? ऑप्शन दिए गए हैं लेप्टोस्पाइरा, इसी टेरो हरहैगियाई, ट्रेपोनिमा पैलिडम, क्लोस्ट्रीडियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा। तो कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोड बैक्टीरिया के द्वारा होता है कि फंजाई के द्वारा होता है, तो आपको ध्यान से देखना है, कोड जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियम विथ फ्लैजला ऑल अराउंड इज। आपको उस बैक्टीरिया के बारे में बताना है जिसके संपूर्ण सतह पर फ्लैजला होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं
एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, मोनोट्राइकस, पेरिट्राइकस, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अच्छे से देख लीजिएगा। पेरिट्राइकस के संपूर्ण सतह पर फ्लैजला होते हैं। बात करें एम्फीट्राइकस के, तो एम्फीट्राइकस के दोनों सिरों पर एक-एक फ्लैजला होता है, दोनों सिरे पर एक-एक फ्लैजला इसमें होता है। और बात करें लोफोट्राइकस की, तो इसमें दोनों सिरों पर फ्लैजला के गुच्छे होते हैं। इसकी बात करें तो इसके दोनों सिरे पर फ्लैजला के गुच्छे होते हैं। और मोनोट्राइकस तो नाम ही से क्लियर है, इसके एक सिरे पर एक फ्लैजला होता है। और पेरिट्राइकस तो इसके संपूर्ण सतह पर फ्लैजला होते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक और आप याद कर लीजिएगा, सिफेलोट्राइकस। सिफाइलोट्राइकस में एक सिरे पर फ्लैजला का गुच्छा होता है। यदि यहाँ पर इसे देखें तो एक सिरे पर फ्लैजला का गुच्छा होता है। तो इन्हें आप सबको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैक्टीरिया चेंजेस प्रोटीन इंटू अमोनिया? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो प्रोटीन को अमोनिया में चेंज करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, बैसिलस, माइकोइड्स, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, बैसिलस माइकोइड, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा काजेज बताना है कि इसके कारण होता है, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, हूपिंग कफ यानी काली खांसी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, मेनिंजाइटिस, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यह मस्तिष्क को जो है नुकसान पहुंचाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जिसके कारण होता है मेनिंजाइटिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की खोज किसके द्वारा की गई? लेडरबर्ग एंड टैटम, जिंडर एंड लेडरबर्ग, वाटसन एंड क्रिक, हार्से एंड चेज, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, लेडरबर्ग एंड टैटम द्वारा। और आपको पता होगा कि कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन की एक विधि है, तो इसे आपको पता होगा कि इसमें जेनेटिक मटेरियल दोनों का आपस में चेंज होता है, तो यह लैंगिक प्रजनन की एक विधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वाज डिस्कवर्ड बाय, डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज की गई किसके द्वारा? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम वायरसेस इन, बताना है आपको कि बैक्टीरिया वायरस से कैसे अलग होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पैथोजेनिक नेचर, जेनेटिक मटेरियल, हैविंग वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म, लैकिंग प्रॉपर न्यूक्लियस, तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्या बैक्टीरिया में पाया जाता है जो वायरस में नहीं होता है?
तो इसका आंसर होगा सी, हैविंग वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म, यानी बैक्टीरिया हैव वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स नाइट्रेट इनटू फ्री नाइट्रोजन, आपको बताना है कि उन्हें क्या कहा जाता है, उन बैक्टीरिया को जो नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, डी नाइट्रिफाइंग। तो उन्हें कहा जाता है डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिट्रस कैंकर ड्यू टू, पौधों में सिट्रस कैंकर डिसीज होता है किसके कारण? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, तो किसके कारण सिट्रस कैंकर डिसीज पौधों में होता है? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया के कारण। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरियम जैंथोमोनास सिट्री के कारण, जैंथोमोनास। तो इसे भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कारण सिट्रस कैंकर नामक डिसीज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्लेग इज कास्ड बाय अ मोनेरन, प्लेग किस मोनेरन के कारण होता है? स्यूडोमोनास, जैंथोमोनास, वेरिसेला वायरस, पाश्चुरेला पेस्टिस, तो कौन सा ऑप्शन सही है? किसके कारण प्लेग होता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, पाश्चुरेला पेस्टिस के द्वारा प्लेग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है किसका? लिपिड्स का, लाइपोप्रोटीन, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, म्यूकोपेप्टाइड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, म्यूकोपेप्टाइड। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू, फूड पॉइजनिंग इनमें से किसके कारण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, सलमोनेला टाइफी, ई कोलाई, बैसिलस मेगाथेरियम, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। निफ जीन्स अकर इन, निफ जीन्स इनमें से किसमें पाया जाता है? राइजोबियम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्टेप्टोकोकस, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, राइजोबियम में। राइजोबियम में यह जीन प्रेजेंट होता है और राइजोबियम में यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, कौन से एंजाइम? नाइट्रोजिनेज एंजाइम के सिंथेसिस के लिए निफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और खूब मेहनत करते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।